नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। लालकुआ लोकसभा चुनाव के रण के लिए सभी सियासी दलों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में उत्तराखंड में राजनीतिक दल चुनावी ऑफिस खोलने में जुटे हैं। इसी कड़ी में नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने नगर के मुख्य बाजार स्थित पोस्ट ऑफिस के समीप मुख्य चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया है कि देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपको बता दें कि नैनीताल लोकसभा सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने नगर के मुख्य बाजार स्थित पोस्ट ऑफिस के समीप चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रकाश जोशी के समर्थन में कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए उनकी हौसला अफजाई भी की। लालकुआ से हमारे संवाददाता विनोद अग्रवाल की रिपोर्ट। पिछली जो है सरकार में जब यहाँ विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे तो इन्होंने ये कहा था 2022 के चुनाव में हम की बिंदु गत्ता को राजस्व गांव का मुद्दा राजस्व गांव बनाएंगे। उससे पहले भी जब नवीन दुमका जी यहाँ पर विधायक थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उन्होंने भी यही बात कही थी। लेकिन आप पिछले 10 वर्षों में देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने बिंदु गत्ता या और भी हमारे जितने भी वन भूमि में बसे हुए लोग हैं उनके साथ छल किया है। मैं तो कहता हूँ भैया देखिए, आप बिंदु गत्ता को बिंदु गत्ता वो और भी जितने वन भूमि में बसे हुए लोग हैं उनको अगर आप राजस्व गांव का दर्जा दे देंगे तो हम भी आपके साथ आ जाएंगे। और एक क्या कहते हैं, ये लोग खाली झूठे आश्वासन लोगों को देते हैं चुनाव में, जो है ये धर्म के नाम की राजनीति कर रहे हैं और बाकी ये कुछ नहीं कर सकते हैं। इससे मुद्दा और पहला मुद्दा तो मैं समझता हूँ कि इनकी नाकामियाँ हैं। जिस प्रकार इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने का काम किया है, उनकी रोजी रोटी को छीनने का काम किया है, और तो और ये ऐसे नकारा सांसद बनकर के आए जो अपनी सांसद निधि भी आधी से ज्यादा खर्च नहीं कर पाए, क्या हमने इसलिए सांसद चुनते हैं? और एक बड़े दुर्भाग्य की बात है, जब हमारे क्षेत्र का सांसद रक्षा राज्य मंत्री बना था तो हमें उम्मीद थी कि क्षेत्र का हमारा क्षेत्र जो है वो सैनिक बाहुल क्षेत्र है, यहाँ के जो सैनिक आश्रत हैं, यहाँ के जो नौजवान हैं उनकी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन दुख की बात है, इनके रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए एक अग्रीवीर जैसी योजना लेकर के आए जिसने युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने काम किया। और ये अपनी योजना की उस समय बहुत तारीफ करते थे। मैं चुनौती देना चाहता हूँ कि अगर अग्निवीर इतनी अच्छी योजना है तो अजय भट्ट जी अग्निवीर के नाम पर वोट मांगे ना, वो लोगों को कहें अपनी उपलब्धि के रूप में अग्निवीर को गिनाएं और वोट मांगे, तब हम कहेंगे कि अग्निवीर अच्छी योजना है। इन्होंने सीधे सीधे लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, झूठ बोलने का काम किया है, गुमराह करने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी का पहले से विजन है युवाओं के हक की बात करनी है, रोजगार की बात करनी है, सबके सामाजिक बराबरी की बात करनी है, सभी लोगों के सामूहिक विकास की बात करनी है। और इन लोगों ने हमेशा धार्मिक आधार पर जाति आधार पर लोगों को बांटने का काम करना है, गुमराह करना है। इसलिए हमारे एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, इनकी मुट्ठी खुल चुकी है, इनका झूठ उजागर हो चुका है, हम इनको सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी जो देश में युवाओं के हित में, किसानों के हित में, महिलाओं के हित में कानून बनाने का, न्याय करने का काम करेंगे। कार्यकर्ताओं में और जनता का रिस्पॉन्स, जनता का जो हमें इस तरह से जो जब मिल रहा है रिस्पॉन्स मिल रहा है वो अपने आप में बताता है कि कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर एक अच्छे बहुमत से चुनाव जीतेगी। जहाँ तक मुद्दों की बात है, सबसे बड़ा मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान सांसद अजय भट्ट जी, पूरे 5 साल उनकी निष्क्रियता, उनकी उदासीनता इस क्षेत्र के प्रति फर्क का लगा रहा है, पर वो साबित करने के लिए मुझे कुछ करना नहीं है। उन्हीं के आंकड़े हैं कि अपनी सांसद के लिए जो उनकी है विवेक जी के आधार पर जनता की भलाई के लिए क्षेत्र के विकास के लिए खर्च कर रहा है, वो टोटल 40% उसका खर्च कर पाए, 60% वो बेकार चला गया, तो उनका पैसा नहीं था। 60% लगभग 10 करोड़ रुपये था, 10 करोड़ रुपये में हो सकता है जो सुचिला तिवारी अस्पताल की दुर्दशा हो रही है, इस लोकसभा क्षेत्र में तमाम और अस्पताल हैं, हो सकता है उन अस्पतालों का कुछ भला हो जाता है, वहाँ नई मशीनें आ जाती, हमारे नौजवान साथियों के लिए, छात्रों और हमारे बहनों के लिए, हमारे बेटियों के लिए नई लाइब्रेरियाँ खुल सकती थी अगर वो चाहते, पर इसके लिए व्यापक विजन की जरूरत होती है जो शायद उनके पास नहीं था। उनके रक्षा राज्य अग्निवीर जैसी योजना लागू हुई देश में, जिसने उन नौजवानों का खासतौर पर उत्तराखंड सैनिक बाहुल प्रदेश में, तो ऐसे युवाओं के सपनों पर कुठाराघात किया, जो फौज में जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं, वो उनके ही रक्षा राज्य मंत्री के युवाओं को लेकर से अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कांग्रेस ने बना है।
योजनाएं जब चलती तो आगे बढ़ती हैं, ऐसा नहीं है। तो आपको इतना बड़ा कांग्रेस का किया हुआ काम शायद वो नहीं दिख रहा किसी को, जो 300 करोड़ की योजना से अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना, दिल्ली स्टेडियम में बनी जाए। आप हमारी सरकार को आए, पिछली सरकार आई थी, हमने बहुत बड़े बड़े काम भी करे, अब सरकार आएगी तो हम छोटे काम करें। जो है कांग्रेस के प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी श्री प्रकाश जोशी जी यहाँ पर आए हुए हैं और लाल कुआं में जो है हमारे चुनावी कार्यालय का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। इसमें हमारे नगर पवन पांडे जी के नेतृत्व में यहाँ पर काफ़ी संख्या में कांग्रेसी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस यहाँ पर इस सीट में नैनीताल और उधमसिंह नगर जिले की सीट में अवश्य फतेह करेगी और लालकुआ की जनता भी जो है प्रकाश जोशी जी को अपार जन समर्थन दे रही है, क्योंकि प्रकाश जोशी जी एक युवा हैं, कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे प्रत्याशी कांग्रेस ने दिए हैं जो कार्यकर्ता का चुनाव जीतने के बाद भी पूरा सम्मान करेंगे और कार्यकर्ताओं के हर दुख दर्द में काम आएंगे। भाई देखिए, आप भाजपा शासन में आप देख रहे हैं पिछले 5 वर्षों में यहाँ पर कोई कार्यकारी नहीं हुआ है। अब आज अजय भट्ट जी कह रहे हैं भाई मेरी गलतियों का जो है खामियाजा मोदी जी को मत देना। कब तक भैया मोदी जी के नाम पर वोट मांगोगे, अपना भी तो कुछ काम करो। अगर आप लोग सच्चाई से आपने 5 वर्ष काम किया होता तो निश्चित ही जनता आज आपके साथ होती। आप देख रहे हैं कि इस समय जनता बिल्कुल साइलेंट है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की दोनों जगह सरकार है, यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पर भाजपा के समर्थन में अपार जनसमूह आता, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, आप एक आदमी के नाम पर अगर जो है वोट मांगेंगे जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी। आज गोला का मुद्दा देख लीजिए आप, पिछले 10 सालों से यहाँ गोला के जितने क्षेत्र के युवा जितने हैं गोला के काम से जुड़े हुए हैं उनको क्रेशर वाले उनका जो है उचित रेट नहीं दे पा रहे हैं और जो है वो लोग बहुत परेशान हैं। भाई, हम किसी को रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, तो कोई अगर अपना रोज़गार कर रहा है तो उसके लिए तो हमें सरकार को यहाँ के युवाओं को अवश्य छूट देनी चाहिए कि वो लोग जो है गोला में अपना रोज़गार करके जो है अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। उसके लिए अपनी राशि नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि एक ऊर्जावान युवा को हम लोगों का नेतृत्व करने के लिए भेजा है। निश्चित रूप से आप जानते हैं कि जो हमारे सांसद हैं वर्तमान में जो थे, अब वो वर्तमान नहीं रहेंगे, अब वो पूर्व हो जाएंगे, ये विश्वास मुझे आप लोगों को देख करके हो रहा है। और आज आम जन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से दुखी है, व्यथित है, परेशान है और आज एक आम जनता इस सरकार को बदलना चाहती है। जो वहाँ हमारे क्षेत्र के जो हमारे सभी लोग हैं उन्होंने जो भाव का उस भावना के अरे बहुत है नहीं, थोड़ी ना आई देखो ना, बहुत है, बहुत कुछ नहीं है, लेकिन उसके लिए हमारे सांसद आपका, एक तो वो सांसद दूसरे राज्य में उनकी सरकार, तीसरे केंद्र में उनकी सरकार, उसके भरोसे तो नहीं करा पाए। यही तो मैं कह रहा हूँ, जनता इसी चीज का बदलाव चाह रही है, जनता जान चुकी है, पहचान चुकी है। सांसद हल्द्वानी डिग्री कॉलेज में 12 से 14 हज़ार विद्यार्थियों का प्रवेश होना है, मात्र 250,000 विद्यार्थियों की बैठने की व्यवस्था है। आप फीस लेते हो 14,000 विद्यार्थियों, कॉलेज में बैठने की व्यवस्था करते हो 250,000 विद्यार्थियों, फीस क्यों लेते हो? आप सुधा मेरा विषय है कि पढ़ेंगे, लेकिन उन्हीं कॉलेजों में अगर हम साई कॉलेज कॉलेज उन्हीं कॉलेज शुरू करेंगे, जो पहले प्राथमिकता, कभी भी एक प्राथमिकता पहले नहीं हो सकती, क्योंकि इतना पूरा सिस्टम बिगाड़ चुके हैं वर्तमान सांसद और भारतीय जनता पार्टी का 7 साल का जो शासन हुआ उसने पूरे सिस्टम को पूरा अस्त व्यस्त कर दिया। मैं मानता हूँ किसी एक प्राथमिकता की बात करने के बजाय हम पैरेलल अलग अलग योजनाओं में काम कर सकते हैं। हम शिक्षा पे बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत है। इस पूरी लोकसभा में लगभग 4 लाख ऐसे नौजवान हमारे युवा साथी हैं जिनकी आयु वर्ग 18 से 24 वर्ष के बीच में, जो एक विद्यार्थी का आयु वर्ग होता है, और उनके पढ़ने के लिए उच्च शिक्षा के लिए मात्र 20 डिग्री कॉलेज छोटे छोटे हैं। उसमें सबसे बड़ा हल्द्वानी है। आप कल्पना कीजिए, आपके माध्यम से मैं जनता के बीच में बोलना चाहता हूँ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।